भारत के अंदर आईपीएल को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। भारत के हर राज्य की टीम आईपीएल में उतरती है और दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट की टीम है उन सब के खिलाड़ी भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की टीम में होती है और आईपीएल में खेलते हैं। आईपीएल का यह नज़ारा देखने वाला होता है। हर उम्र का वर्ग आईपीएल को एंजॉय करता है। धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पांड्या, शुभमन गिल आईपीएल की जान माने जाते हैं, लेकिन इस बार यानी कि 2024 का आईपीएल 17 अगर दुनिया भर में फेमस हो रहा है तो वो बस एक नए चेहरे की वजह से, जिसका नाम है मयंक यादव। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर धूम मचा रखी है मयंक यादव ने। मयंक यादव को लेकर लोगों में दीवानगी बढ़ गई है। क्या मैगजीन, क्या न्यूज़पेपर, हर जगह छाए हुए हैं मयंक यादव। आईपीएल में 6 फीट 1 इंच के तेज गेंदबाज सनसनी मयंक यादव को लेकर चारों ओर चर्चा हो रही है। उनकी तेज गति को लेकर सभी बात कर रहे हैं। अपनी कहर बरपाती गेंदबाजी से मयंक यादव ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लगातार 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम करा चुके हैं मयंक यादव। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मयंक यादव लाइमलाइट में कब आए। आपको आईपीएल 17 का पंजाब और लखनऊ का मैच याद होगा, जहां पंजाब किंग्स की टीम ओपनरों के शतकीय साझेदारी के बावजूद अगर मैच 21 रन से हार गई थी तो इसकी सबसे बड़ी वजह रहे 21 साल और अपना पहला आईपीएल मैच खेलने वाले मयंक यादव। मयंक यादव की गति के तूफान में पंजाब के बल्लेबाज पूरी तरह से उड़ गए। मयंक ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद फेंक कर इस संकरण की सबसे तेज गेंद फेंकी। कुल मिलाकर मयंक ने पहले ही मैच में 3 विकेट चटकाए और वह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। सुरेश रैना सहित कमेंट्री कर रहे ज्यादातर क्रिकेटरों ने मयंक यादव को भविष्य का सबसे बड़ा चमकता सितारा करार देते हुए शाबाशी दी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मयंक यादव T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। 21 साल के मयंक ने पहले ही मैच में फेंकी शुरुआती 17 गेंदों में से 5 गेंदे 150 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा की गति से फेंकी। साथ ही उन्होंने 3 विकेट भी लिए और इससे वह आईपीएल के करियर के पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। और खास बात और चर्चा का विषय रही उनकी 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद। दोस्तों, तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी गेंदबाजी की अविश्वसनीय प्रतिभा पर ध्यान दिया और आज दुनिया के हर कोने से मयंक यादव की प्रशंसा हो रही है। दोस्तों, यहां तक आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली ने खुद इस पर अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत को अपना सबसे तेज गेंदबाज मिल गया है। दोस्तों, अब आपको मयंक यादव की जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। दिल्ली में जन्मे और मोती नगर में पले बड़े मयंक यादव को तेज गेंदबाजी अपनाने की प्रेरणा अपने पिता प्रभु यादव से मिली, जो अपने छोटे बेटे को वेस्ट इंडीज के दिग्गज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस की कहानियां सुनाते थे। बड़े होकर मयंक छोटी और तेज गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता के कारण दिल्ली के क्रिकेट सर्किट में सर पे मारने वाला गेंदबाज यानी कि सिर पर गेंद मारने वाला गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध और कुख्यात होने लगे। दोस्तों, मयंक ने कभी भी दिल्ली के लिए अंडर 14 या अंडर 16 नहीं खेला, लेकिन उनकी प्रतिभा स्पष्ट थी और जल्द ही उन्हें स्वर्गीय तारक सिन्हा ने मार्गदर्शन दिया, जो दोस्तों ऋषभ पंत के कोच भी थे।
मयंक ने 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली में शुरुआत की दोस्तों, जहां उन्होंने पूर्व सहायक कोच विजय दहिया की नजरें अपनी ओर खींची। 2022 आईपीएल मेघा नीलामी में इस युवा खिलाड़ी को खरीदा था। उस समय मयंक ने सिर्फ 2 लिस्ट 1 गेम खेले थे और कोई प्रथम श्रेणी का मैच नहीं खेला था। हालांकि मयंक तब से लगातार चोटों से जूझ रहे हैं, जिससे उनके करियर में थोड़ी सी देरी हुई। हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण वे पूरे 2023 सीजन नहीं खेल पाए। मयंक को घरेलू क्रिकेट ने काफी प्रभावित किया था। वे पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में खेले और मयंक दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक थे। उन्होंने 2023 देवधर ट्रॉफी में भी सुर्खियां बटोरी थी। मयंक ने दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में भी अपनी काफी अच्छी शुरुआत कर सबके सामने अपनी छाप छोड़ी थी। ढेर सारी गति, क्षमता और 21 साल की उम्र के साथ अब तो मयंक के लिए केवल आकाश ही सीमा है। मयंक यादव नहीं रुकने वाला है। दोस्तों, मयंक का जन्म 17 जुलाई 2002 को दिल्ली के मोती नगर इलाके में हुआ। वे दाएं हाथ गेंदबाजी के साथ साथ लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। मयंक यादव की स्कूलिंग दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित SM आर्या स्कूल से हुई है। पढ़ाई में वह अच्छे थे, मगर क्रिकेट खेलने में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। क्रिकेट के पीछे उनके लगाव को उनके पिता ने पहले ही भाप लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मयंक के पिता प्रभु यादव खुद क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं। उन्होंने महज 5 साल की उम्र में मयंक यादव को बल्ला और गेंद थमा दिया था, क्योंकि उनके पिताजी भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। यही से मयंक के क्रिकेट की यात्रा की शुरुआत हुई। 7 साल की उम्र में रोहतक रोड स्थित जिमखाना क्रिकेट क्लब में मयंक का एडमिशन हुआ। मयंक ने अगले 5-6 साल वहीं सीखा था। फिर मयंक के पिता ने उन्हें दिल्ली के चर्चित सोनेट क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलाया। इस एकेडमी से शिखर धवन, ऋषभ पंत और आशीष नेहरा जैसे कई बेहतरीन क्रिकेटर निकले हैं। इसके बाद दोस्तों, मयंक का दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन हुआ। क्रिकेट के गुरु देवेंद्र सर ने मयंक को क्रिकेट का हुनर सिखाया। मयंक के प्रदर्शन को देखते हुए पहली बार वर्ष 2019 दिल्ली स्टेट टीम में मयंक यादव का चयन हुआ। मयंक बचपन से ही क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। पढ़ाई के बाद हमेशा वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के मोती नगर की गलियों के अंदर घूमते फिरते और गलियों के अंदर क्रिकेट, मैदान के अंदर क्रिकेट और मैच खेलते रहते थे। क्रिकेट के प्रति अत्यधिक झुकाव के बाद परिवार का और अपने दोस्तों का भी मयंक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। दोस्तों, मयंक के पिता प्रभु यादव दिल्ली में डूरा इंडिया टोन प्राइवेट लिमिटेड नामक सायरन बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। मयंक की माता का नाम ममता यादव है, जो दिल्ली की ही निवासी है और मोती नगर एच ब्लॉक करमपुरा में रहती है। सो दोस्तों, ये थे मयंक यादव के निजी जिंदगी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। और आज मयंक अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अपने पहले आईपीएल मुकाबले में मयंक ने 155 की स्पीड से गेंदबाजी करके हर किसी के होश उड़ा दिए। मयंक की गेंदबाजी देखने के बाद हर कोई उन्हें भविष्य के स्टार के रूप में देख रहा है। सभी को उम्मीद है कि मयंक को जल्द ही भारत की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा और वो अपना और अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। सो दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।